दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि मिश्रा जी को बचाने के लिए बाबा अपनी शक्ति से मिरर वर्ल्ड का दरवाजा खोलते हैं। बाबा मिरर वर्ल्ड की दुनिया में गुप्ता जी और रॉड को नहीं ले जाते हैं और अकेले ही चले जाते हैं। इधर गुप्ता जी भी चुपचाप मिरर वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहां ब्लडी मैरी की सेना से मुकाबला होता है। बाबा अपनी शक्ति से सभी को जला देते हैं, लेकिन वह सभी मरता नहीं है। अंतिम में वहां जग्गू आ जाता है और वह बाबा पर हमला करता है। अब आगे की कहानी देखते हैं। जग्गू का वार से बाबा घायल हो जाते हैं। ब्लडी मैरी के बोलने पर बाबा वापस से खड़े हो जाते हैं। ब्लडी मैरी, तुम्हें अपनी शक्ति का बहुत घमंड है ना? मैं तुम्हारा घमंड अवश्य तोड़ूंगा। तुम मुझे हराओगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा अवश्य होगा ब्लडी मैरी। जग्गू को हराने के लिए बाबा जंपर को पुकारते हैं। जंपर, तुम्हें तुम्हारे बाबा पुकार रहे हैं, जल्दी से यहाँ आ जाओ। बाबा के पुकारने पर जंपर तुरंत मिरर वर्ल्ड की दुनिया में आ जाता है। ये कौन है बाबा? ब्लडी मैरी, तुम्हारे जग्गू की तरह शक्तिशाली ये हमारा जंपर है। ये छोटा सा जंपर मेरे जग्गू के सामने दो पल भी नहीं टिक सकता। ब्लडी मैरी, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मेरा जंपर तुम्हारे जग्गू से कम नहीं है। बाबा जंपर को इशारा देते हैं कि वह अपना साइज बड़ा कर ले। बाबा की बात मानते हुए जंपर अपना साइज बड़ा कर लेता है। जग्गू, अब निकलेगा तेरा हग्गू। जंपर जाओ, जग्गू का हग्गू निकालो। बाबा का आदेश पाते ही जंपर तेजी से जग्गू के पास जाने लगता है और जग्गू भी तेजी से जंपर के पास जाने लगता है। दोनों तेजी से आपस में टकराता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जंपर और जग्गू के पास काफी ताकत होता है, इसलिए जोरदार ब्लास्ट होने पर भी दोनों में से किसी को कुछ नहीं होता है। जग्गू, जंपर को जिंदा मत छोड़ना। ब्लडी मैरी की बात मानते हुए जग्गू अपनी शक्ति से जंपर पर हमला करता है। जग्गू के हमला से जंपर अपने आप को बचा लेता है और वापस से जग्गू पर हमला करता है। जंपर का हमला से जग्गू दूर गिर जाता है। जग्गू वापस से उठता है और जंपर पर फिर से हमला करता है और इस बार जंपर दूर गिर जाता है। जग्गू और जंपर के बीच काफी लड़ाई चलती है, जिसके चलते जंपर बहुत थक जाता है और वह वहीं गिर जाता है। बहुत अच्छे जग्गू, अब तुम जंपर का अंत कर दो। जंपर को मारने के लिए जग्गू धीरे धीरे उसके नजदीक पहुंचता है, लेकिन तभी जंपर उठकर एक जोरदार हमला करता है, जिसके चलते जग्गू का हग्गू निकल आता है। ब्लडी मैरी अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपने कंकाल को कैद से बाहर निकाल देती है। तभी वहां गुप्ता जी भी पहुंच जाते हैं। बाबा मिश्रा जी का पता चल गया है, वह कांच का पिंजरा में कैद है। बहुत खूब गुप्ता जी, चलो मिश्रा जी को बचाते हैं। गुप्ता जी और बाबा को रोकने के लिए ब्लडी मैरी का कंकाल आगे आ जाता है। जंपर, मैं और गुप्ता जी मिश्रा जी को वापस लाते हैं, तब तक तुम इस कंकाल को संभालो। बाबा की बात मानते हुए जंपर कंकाल से मुकाबला करने लगता है। कंकालों का ध्यान भटकते ही गुप्ता जी और बाबा तुरंत मिश्रा जी के पास जाने लगते हैं। गुप्ता जी, तुम मिश्रा जी को वापस नहीं ले जा पाओगे। ब्लडी मैरी अपने सबसे खतरनाक दानव को आदेश देती है कि वह गुप्ता जी और बाबा को कुचल दे। बाबा इधर चलिए, मैंने इधर ही मिश्रा जी को कैद देखा था। गुप्ता जी बचो। बाबा, ये तो ब्लडी मैरी का दानव है। गुप्ता जी, अब बच के दिखाओ मेरा सबसे खतरनाक दानव से। गुप्ता जी, ये दानव हमें कुचल देगा, पीछे भागो।
गुप्ता जी तुरंत पीछे हट जाते हैं। बाबा अब इस दानव से कैसे बचेंगे और इसका अंत कैसे होगा? गुप्ता जी मैं अपनी शक्ति से इसे मारने की कोशिश करता हूँ। बाबा अपनी शक्ति से उस दानव पर हमला करते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। दानव गुप्ता जी और बाबा को कुचलने के लिए तेजी से कूदता है। गुप्ता जी इस दानव को मारने के लिए मुझे अपना साइज बड़ा करना होगा। दानव को मारने के लिए बाबा अपना साइज को बड़ा कर लेते हैं। दानव तुम्हारा उछलना अभी बंद करता हूँ। बाबा अपने अस्त्र से जोरदार वार करते हैं। अस्त्र के जोरदार वार से दानव वहीं जमीन पर गिर जाता है। दानव के मरते ही बाबा वापस से अपने साइज में आ जाते हैं। गुप्ता जी मुझे बचा लीजिए। मिश्रा जी ब्लडी मैरी यदि मिश्रा जी को कुछ हुआ तो तुम बचोगी नहीं। गुप्ता जी ज्यादा खर्चो मत वरना मिश्रा जी अभी मारा जाएगा। ठीक है बस मिश्रा जी को कुछ मत करना। गुप्ता जी यदि मिश्रा जी को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम बाबा पर हमला करो। बाबा पर हमला मैं करूं? मुझसे नहीं होगा। यदि तुमने नहीं हमला किया तो मिश्रा जी मरेगा। रुको ब्लडी मैरी गुप्ता जी मुझ पर हमला अवश्य करेगा। बाबा गुप्ता जी को बोलते हैं कि मुझ पर हमला करो। गुप्ता जी नहीं चाहते हुए भी बाबा पर हमला करते हैं। नहीं गुप्ता जी मेरे चलते आप ऐसा मत कीजिए। बाबा को मार खाता देखकर ब्लडी मैरी को बहुत खुशी मिलती है। गुप्ता जी बाबा को मार रहे होते हैं तभी ब्लडी मैरी चुपचाप अपने दानव को जिंदा कर देती है। दानव जैसे ही जिंदा होता है तो वह गुप्ता जी और बाबा को कुचलने के लिए हवा में उड़ता है। दानव जैसे ही गुप्ता जी और बाबा को कुचलने वाला होता है तभी वहां रॉड आ जाता है और वह अपने नाइट्रोजन गैस से उस दानव को जमा देता है। दानव के जमते ही ब्लडी मैरी को गुस्सा आ जाता है। तुम कौन हो नालायक? तुमने मेरे दानव को क्यों जमाया? ब्लडी मैरी के पूछने पर रॉड बोलता है कि मैं गुप्ता जी का दोस्त हूँ और तुमने मिश्रा जी को कैद किया था इसलिए मैंने तुम्हारे दानव को जमा दिया। तुमने गलत किया अब मिश्रा जी मरेगा। ब्लडी मैरी जैसे ही मिश्रा जी को मारने वाली होती है तभी जंपर ब्लडी मैरी के पीछे आ जाता है और पीछे से हमला करता है। जंपर का हमला से ब्लडी मैरी नीचे गिर जाती है और तभी मिश्रा जी भी बाबा के पास आ जाता है। बहुत अच्छे जंपर और रॉड तुम दोनों के चलते मिश्रा जी बच गया और तुम ब्लडी मैरी अब बचोगी नहीं। ब्लडी मैरी अपनी जान बचाने के लिए शीशे से वार करती है लेकिन बाबा उसे बहुत आसानी से तोड़ देते हैं। ब्लडी मैरी अब तुम कुछ भी कर लो लेकिन बचोगी नहीं। बाबा अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए ब्लडी मैरी को शॉक देते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक से ब्लडी मैरी का हाल बहुत खराब हो जाता है और वह वहीं गिर जाती है। बाबा मिरर वर्ल्ड से वापस जाने का रास्ता बंद होने वाला है जल्दी चलिए यहाँ से। सभी लोग जल्दी से मिरर वर्ल्ड की दुनिया से बाहर जाने लगते हैं। एक एक करके सभी लोग मिरर वर्ल्ड की दुनिया से बाहर निकलने लगते हैं। गुप्ता जी हम सब तो वापस आ गए मिरर वर्ल्ड से और ब्लडी मैरी भी मारी गई। हाँ मिश्रा जी चलिए अपने घर चलते हैं। गुप्ता जी मिश्रा जी और रॉड बाबा को प्रणाम करके अपने अपने घर जाने लगते हैं। बाबा मैं फिर आऊंगी तुम्हारी दुनिया में, बस मुझे इंतजार है उस दिन का जिस दिन कोई शीशे में ब्लडी मैरी का नाम तीन बार लेगा, फिर तुम में से कोई नहीं बचेगा। तो दोस्तों ब्लडी मैरी का सीजन 1 आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट स्टोरी किसकी देखनी है हमें बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।